विधानसभा चुनाव को लेकर के शीलानंद झा जो कि छठ फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे टीम से बातचीत की, लेकर चलते हैं सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना। और अभी जहाँ तक राजनीति की बात है, अभी कल से कल ही लास्ट दिन था फॉर्म भरने का, सब लोग फॉर्म भरे हैं, सब अपना अपना किस्मत आजमाएंगे। उसमें जो है यहाँ पर मैं दो बार के जो मिले हैं उनका ही पलड़ा भारी है और वही जीत के आएंगे, ये पक्का फाइनल है, तो वही जीत करके आएंगे। सर अपेक्षाएं क्या रहेंगी, क्योंकि भिवंडी शहर में जिस तरीके से हालात है, यहाँ पर विकास के नाम से जीरो रहा है, सदैव क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए हम आज 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और हम देखे भिवंडी का पोजीशन, लेकिन आज 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 जो पोजीशन है उससे कई लाख गुना अच्छा है, क्योंकि हर जगह कंक्रीट रोड बन रहे हैं, हर जगह देखिए काम होएगा तो थोड़ा लेट सेट होता है, लेकिन हर जगह आप जहाँ भी जाइए कंक्रीट रोड चालू है, महीना दो महीने में पूरा कंक्रीट रोड, जो जो लोगों को तकलीफ थी वो ख़त्म हो गया। अभी अभी अच्छा दिन आने वाला है और अच्छा दिन आ गया है। ये मेन सेट का 10 साल में बहुत सारे बड़े काम हुए, उनका जो लोगों के साथ में मिलनसारपन है, जो मिलते जुलते हैं, जो लोगों का कंधे पे आते हैं, लोग उसमें इतना उनसे खुश हैं, जो आज उनको उनके साथ में आजकल आप देखते हैं वहाँ पर में जुलूस, कितना बड़ा जुलूस थी, नहीं इतना बड़ा जुलूस किसी भी फॉर्म भरने वाले के साथ नहीं था जितना कि उनके साथ में था, क्योंकि उनका खुद का जो पर्सनल है, पार्टी साइड में रहने दीजिए, मेन सेट का खुद का जो है यहाँ भिवंडी में वो बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा किए, किसी से कोई किसी को तकलीफ नहीं दिए, कोई व्यापारी नहीं बोलेगा कि भाई हमको कोई तकलीफ दे करके, उनका भाई भी है, उनका भाई का भी वही आचरण है, तो हम लोग तो वही चाहते हैं जो भाई अच्छे आचरण वाले लोग भिवंडी में आवे और जीत करके आवे, और वही जीत के आएंगे, जिनका अच्छा आचरण रहेगा, जिनका अच्छा काम रहेगा, वही जीत के आने वाले हैं।